जय श्री महाकाल किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है महेश फार्म के इस न्यू वीडियो में। हम लोग एक फार्म पे आ गए। हमारे फार्म से लगभग अराउंड 2.5 किलोमीटर है, मतलब हमारे चाचा का फार्म है, तो उस फार्म पे आ गए। यहाँ पे टमाटर की खेती जो है वो बारह मास की जाती है। बारह मास मतलब आप समझ सकते हैं कि हर समय पे अलग अलग टाइम पे, हर अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कंपनीज़ के यूज़ होते हैं। टमाटर के जो सीड्स होते हैं वो यूज़ करना पड़ता है, और कई बार अच्छे जो जिनको पास जानकारी होती है वो टमाटर के खेत से अच्छे खासे लाखों में अर्निंग करते हैं। तो आज हम लोग टमाटर की खेती में आ गए। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। पहले ये जो टमाटर की खेती यहाँ पे हम लोगों ने, मतलब जो इस फार्म पे हुआ है ये टमाटर की खेती, वो टमाटर की खेती का जो नाम है वो सेजेंटा कंपनी का 1156 यूज़ किया गया है। और 1156 यूज़ करने के बाद ये जो टमाटर है वो गर्मी का टमाटर है, और अभी मौसम लगभग ठंडे का चल रहा है, तो गर्मी का इनके पास सीड रह गया था, इन्होंने सीड कर दिया। और उसका जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक टमाटर का जो एक, मतलब एक टमाटर की जो एक पौधा, ये गाछ है जो बढ़ रहा है, वो अराउंड मतलब मेरे हाइट से ऊपर तक का, अगर आप यहाँ आगे आएंगे तो आपको रियलाइज होगा। आप देखिए कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा बोल सके तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ गया है। आप आएंगे तो झारखंड के किसान कुछ इस तरीके से खेती करते हैं, जिस वजह से उसका थोड़ा बहुत जो है नुकसान वगैरह आता है। अभी नुकसान इसमें क्या है और क्या इसमें गलती जो की गई है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये नीचे का फ्लोर देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो है वो एक फ्लूट सिस्टम रखा है इन्होंने सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए तीन सिस्टम होते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक ड्रिप होता है, एक रेन का होता है जिसमें गन लगा के हम लोग रेन से करते हैं, और तीसरा होता है फ्लूट का। तो इन्होंने फ्लूट का सिस्टम रखा है, और मल्चिंग पेपर वगैरह भी नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम था तो इन्होंने मल्चिंग पेपर और ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करी। मतलब बेसिकली इन्होंने अपना, मतलब कई सारा, मतलब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू से इन्होंने इस तरीके से फार्म को अरेंज किया है। और आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोड आ रहा है। गर्मी में क्या होता है कि आपका जो फल है, जो आपकी फसल है वो बहुत ज़्यादा होगी, और ठंडे में क्या होता है, मतलब बरसात में क्या होता है, फसल कम आती है लेकिन रेट अच्छा होता है, और गर्मी में फसल ज़्यादा आती है पर रेट उतना अच्छा नहीं होता। इसमें क्या हुआ, इस पौधे में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये सारे चीज़ जो ये टेंड्रिल्स टाइप से दिख रहे हैं, ये एक वायरस है, बेसिकली एक वायरस इंटर कर गया है जिस वजह से इन पौधों को हार्म हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो फल है उससे कई ज़्यादा पत्ते उग जा रहे हैं, और जो ये फूल है गाइज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, कुछ फूल में जिसमें फल आना चाहिए वो फूल तो आ रहे हैं, और बाकी कुछ फूल जो है वो सूख के गिर जा रहे हैं। तो ये एक वायरस है जिसके वजह से ये दिक्कत हो रहा है। दूसरा जो गैपिंग है, अगर आप गैपिंग देख पाएंगे तो एक फल से, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं मिला, और अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं मिला इसके वजह से जो दवा है वो अच्छे तरीके से इस पर नहीं जा पा रही है, तो ये एक दिक्कत आती है फार्मर्स को। तो खैर ये एक्सपीरियंस के लिए है, अगर आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और बेटाइम का ये पौधा जो है, बेटाइम का टाइम का है, मतलब बेसिकली इसको गर्मी में लगाना चाहिए था, और इस समय में लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर इससे क्रॉपिंग आ रहा है, एक पेड़ पे लगभग 8 से 10 केजी 11 केजी इस तरीके से आता है। कॉस्ट भी एक पेड़ पे ज़्यादा आ जाता है, और रेट भी लगभग ठीक मिल जाता है। अगर आप क्रॉपिंग में देखेंगे तो आप देखेंगे कितना फ्रेश टमाटर है, और कितना मतलब सही तरीके से है मतलब इसका क्रॉप, और आप देख रहे होंगे वीडियो के स्क्रीन पर भी, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी मतलब ठोस है टमाटर, मतलब ज़्यादा ये नहीं है इस पर, अगर आप देखना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फ्रेश है। ये देखिए गाइस, ये अगर आप टमाटर देख रहे हैं तो देखिए कितना फ्रेश है, और कोई दिक्कत नहीं है। बस बहरहाल इसमें दिक्कत जो ये आ गई कि इसमें जो ये वायरस आ गया, जिसके लिए दवाई वगैरह का छिड़काव हो रहा है, लेकिन पेड़ ओवर साइज़ हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाने की वजह से दवाई जो है वो हर जगह पे नहीं पहुंच पा रहा। जो भी हम लोग इस पे दवा यूज़ करते हैं, बहुत कई सारे ऐप्स हैं जो आपको अच्छे से डिटरमाइन कर देंगे कि ये कौन सी बीमारी है, इस पे हम कौन सी दवा चला सकते हैं। और कई सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ से आप मदद कर सकते हैं, बाय फ़ोन भी आप उनसे मदद ले सकते हैं, सर कि ऐसी ऐसी तकलीफें आ रही है तो कौन सी दवा हम यूज़ करें। तो यही था आज का हमारा वीडियो। बाकी आप जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक नॉर्मल बैलेंस जगह पे, तो देख रहे हैं आप एक पौधे का साइज़ जो है वो कम से कम मेरा हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ कुछ पेड़ तो 6 फीट तक चले गए हैं। तो इस तरीके से जो डिटेल आते हैं ये आप देखने को आपको मिलेगा। ये सारी तकलीफ़ें होती है किसान में कि कई सारे, मतलब ये जो वायरस है ये हम पहचान नहीं पाते, या फिर पेड़ के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा नहीं रहने की वजह से दवाई तो इस पर पड़ रही है पर उसका असर नहीं हो रहा, हर लीफ पे उसका असर नहीं हो रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करके मल्चिंग पेपर का यूज़ करते हैं, ड्रिप एलिगेशन करते हैं, जिसके वजह से उनकी जो क्रॉप है, जो उनकी फसल है, वो ख़राब होने की चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाती है, और हर बार वो फसल बहुत अच्छे से
निकाल लेते हैं। तो मल्चिंग पेपर के ऊपर और ड्रिफ्ट एलिगेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा और उस पर मैं बताऊंगा आपको कि मल्चिंग पेपर किस तरीके से बिठाते हैं और किस तरीके से उस पर हम लोग क्रॉप ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी आप आइए, मैं आप आगे को और दिखलाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ये जो कल्टीवेशन आया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पेड़ दोनों के बीच का जो गैप है ये इवन इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। अगर ये मल्चिंग पेपर के थ्रू होता तो थोड़ा ज़्यादा गैप मिलता और ज़्यादा मतलब जो बेड बनता वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में बनता, जिग जैग हो जाता, मतलब जेड शेप में एक पौधा यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरीके से, और एक से दूसरे पौधे को ज़्यादा गैप मिलता, लगभग एक एक फीट से ज़्यादा गैप मिलता। यहाँ पर एक फीट का रखा गया लेकिन एक डेढ़ फीट से ज़्यादा गैप मिलता। तो ये जो इस वैरायटी के जो है 1156 ये इसको फूलने के लिए ज़्यादा ये होता। हाइट ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर जो क्रॉप है जिसमें जो वो फसल आ रही है वो आना इंपॉर्टेंट है। फसल तो इसमें आ रही है लेकिन वायरस की वजह से थोड़ा बहुत इसमें डैमेज हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी एक अच्छे किसान और एक अच्छा क्रॉप या फिर टमाटर या फिर किसी भी चीज़ की खेती करना चाहते हैं तो अपने खेत में सबसे पहले ज़्यादा ध्यान दें। 15 दिन तो आप अपने खेत को रेडी करने में लगाएं ताकि हम उससे अच्छा क्रॉप ले सके। तो इसी के साथ वीडियो को मतलब एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।